नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार जैक। चेयरमैन पति पर लगा छेड़खानी का आरोप, साथ ही योजना हरिवरी के मैनेजर कुलदीप पर रेप का मामला दर्ज। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार महिला की सुरक्षा के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पर और बेटियों के साथ रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बरेली के बहेड़ी तहसील का है, जहां रेप पीड़िता युवती ने चेयरमैन पति पर छेड़खानी के साथ ही योजना हरिबरी के मैनेजर कुलदीप पर रेप का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि प्रमोशन के नाम पर कुलदीप ने उसका शारीरिक शोषण किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी के साथ ही नौकरी से हाथ धो बैठने की धमकी भी दी। यहां आपको बताते चले कि युवती ने बहेड़ी नगर पालिका की योजना हरिबरी में हेल्पलाइन टोल फ्री में काम करती है। शारीरिक शोषण से तंग आकर युवती कोतवाली बहेड़ी में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। युवती ने तहरीर में चेयरमैन पति नसीम अहमद, रेपिस्ट कुलदीप और रुचि सीला के साथ ही दो अज्ञात युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समाचार टू जैक के लिए बहेड़ी से एजाज हुसैन की रिपोर्ट। हरी वरी में जो काम करती हूँ, ये कुलदीप जो मैनेजर है वो मेरे साथ चेयरमैन के यहाँ ले गया। चेयरमैन के यहाँ ले गया। चेयरमैन ने कहा मैं इसे डांट दूंगा। इसके बाद में इसकी जो औरतों को लेके और लड़कियों को लेके वहाँ मुझे पीटा और मारा, धमकाया बीच रोड पर। और मैं यहाँ गई थी और यहाँ फिर ले गया मुझे चेयरमैन के पास। फिर चेयरमैन ने मेरे नाचुक अंगों पर हाथ चलाया। फिर इसके बाद चेयरमैन ने बोला, उसने मेरी रिकॉर्डिंग की इंस्पेक्टर के बारे में, राजेश यादव इंस्पेक्टर के बारे में कहा था, ये मुकदमा लिखवाओ, ऐसा ऐसा बोलना, जैसा जैसा मैं बोलूँ ऐसा ऐसा बोलना। फिर तो उसे फंसाना, इंस्पेक्टर को फंसाना। तो ये उस कुलदीप से कहा, इसमें कुलदीप इसे ले जाओ सिंगोटिया टंकी पर। फिर वो सिंगोटिया टंकी पर मुझे ले गए रुचि और कुलदीप। इन्होंने बंदूक से डराया, धमकाया, कहा जान से मार दूंगा अगर ऐसा कुछ नहीं बोला, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा बोलना। इन्हें मेरे साथ में शोषण किया इसने, कुलदीप ने। इसके बाद में ही रिकॉर्डिंग की कुलदीप ने और रुचि ने मुझे सिखाया ऐसा ऐसा बोलना। लड़की जो हरी भरी में काम करती है, तो मैं तो यहाँ लखनऊ में था, मुझे पता चला कि इसके द्वारा मेरे विरुद्ध FIR जो दर्ज कराई गई है वो सरासर झूठ है। और इसने लोगों के यहाँ बहकावे में चढ़ावे में आके, और दूसरा इसका रिकॉर्ड रहा है जो आरती है, ये आज से 2-3 महीने पहले हमारे यहाँ सेनेटरी इंस्पेक्टर राजेश यादव, उनसे भी ये धमकी उगाई के लिए इन्हें पैसे की मांग की थी। तब जब उन्होंने पैसा इसे नहीं दिया तो उनके खिलाफ भी इसने जो है छेड़छाड़ का आरोप लगाया। और जब आरोप सिद्ध नहीं हुए तो इसने फिर उसके बाद खुद लिख के दिया कि मैंने हाँ लोगों के चलावे में करा था। उसके बाद इसने हरी भरी प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ, पुष्पा के खिलाफ भी जो है कंप्लेंट की थी, वो भी झूठी पाई गई। अभी 3-4 दिन पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष मेरी पत्नियों के पास आई थी, उन्होंने बताया कि मुझे कुलदीप नाम पर परेशान कर रहा है। तो एक जाँच के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर पुष्पा को भेजा था लेटर, और उसकी जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसमें कहीं भी जांच रिपोर्ट में मेरा कहीं से भी नाम नहीं है, क्योंकि हरी भरी जो संस्था है वो पूरी तरीके से हमारी प्राइवेट संस्था है। नगर पालिका परिषद बहेड़ी का उससे कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ जो इस लड़की का मकसद है, कुछ जो विरोधी हैं उनके छलावे में आके नगर पालिका परिषद अध्यक्ष को परेशान करना है, इसलिए ऐसी जो ब्लैकमेल जो लड़की करने वाले खिलाफ कानून और पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई की करे।